खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल विलेज टेड़वा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियां वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मिले 306 नए मरीज। सीतापुर के भाजपा सांसद हुए संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। राज्य सूचना आयुक्त के बेटे समेत 3 का कोरोना से निधन। पहल शिक्षण संस्थान ने नगर के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने का उठाया बीड़ा। 96 लीटर कच्ची शराब, 1 भट्टी बरामद, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। सिधौली पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। अटरिया इलाके में 1 सप्ताह में संदिग्ध बीमारी से हुई 8 मौतें। नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू, ग्रामीण क्षेत्र में बार बालाओं का डांस। सीतापुर में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक, व्यापक और जानलेवा होती जा रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शुक्रवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 306 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। शहरों की अपेक्षा गांव में दोगुनी तादाद से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। नगर क्षेत्र में 93 और ग्रामीण क्षेत्र में 213 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने का संकट और भी गहराता जा रहा है। लिहाजा सीतापुर में L2 अस्पतालों को बढ़ाए जाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और CMO डॉक्टर मधु गहरोला ने प्रयास तेज कर दिए हैं। कोरोना से मौजूदा हालात काफ़ी भयावह होते जा रहे हैं। ज़्यादातर कोरोना मरीज घरों पर होने के बावजूद अस्पतालों में ना बेड है और ना ही ऑक्सीजन। वहीं मेडिकल स्टोर से अब दवाएँ लेने के लिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य कर दी गई है। और तो और, अब तो आवश्यक दवाएं भी कम पड़ती जा रही हैं। आलम देखिए, इन हालातों के बावजूद गांव की सरकार बनाने को लेकर लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाकर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश सरकारी मशीनरी व्यस्त होकर रह गई है और लोगों की जिंदगियां भगवान भरोसे हैं। शुक्रवार को आई जाँच रिपोर्ट में 0 से 10 साल तक का 1, 10 साल से 20 साल तक के बीच के 9, 20 साल से 55 साल के बीच के 254 और 55 साल के ऊपर के 54 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 222 पुरुष और 84 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से अभी तक 95 लोगों के मौत की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन मौतों का वास्तविक आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। अस्पतालों से कहीं ज़्यादा 38-37 मरीज होम आइसोलेट हैं। दूसरी लहर में सीतापुर में मरीजों की संख्या 2500 का आंकड़ा छूने के करीब है। सीतापुर के भाजपा सांसद राजेश वर्मा की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांसद ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। वहीं कोरोना संक्रमण ने जेल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए 9 कैदियों को चपेट में ले लिया है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बिसवा में मिले सबसे ज़्यादा 67 नए केस मिले हैं। कसमंडा में 34, महोली में 23, सिधौली में 20, लहरपुर में 12, बेहटा में 7, हरगांव में 11, मछरेटा, महमूदाबाद, एलिया, मिश्रिक व सकरन में 2-2 तथा गुंदलामऊ, लहरपुर, परसेंडी व रेउसा में
एक एक मरीज मिला है। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी के इकलौते बेटे 26 वर्षीय प्रिंस की कोरोना संक्रमण ने जान ले ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रिंस का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रिंस मुंबई में फैशन डिजाइनर थे। भाजपा नेत्री किरण बाला चौधरी सीतापुर के अलौलापुर के रहने वाली हैं। सीतापुर के भवानीपुर पावर हाउस में तैनात जेई रामराज का कोरोना से देहांत हो गया। उनका ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा था। कमलापुर में रहने वाले व्यवसायी इमरान का 16 वर्षीय बेटा फरहान भी कोरोना का शिकार हो गया। लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पंचायत चुनाव का निर्वाचन अधिकारियों ने मखौल बना दिया है। पहले नामांकन करने वालों को दौड़ाते रहे, फिर बिना चुनाव चिन्ह दिए चलते बने। कई दावेदार हाथ में नामांकन जमा करने के बाद मिलने वाली पर्ची लिए 2 दिनों से इधर उधर भटकते रहे। आपको बता दें कि ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत इमलिया सुल्तानपुर से ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद हबीब पुत्र मोहम्मद हनीफ, अजमुद्दीन पुत्र बसरुद्दीन, जबकि वार्ड नंबर 13 से प्रमोद कुमार मौर्य पुत्र शिव कुमार मौर्य व दीपक कुमार पुत्र गया प्रसाद ने नामांकन किया था। प्रत्याशियों की लिस्ट में इनका नाम भी था, फिर चुनाव की लिस्ट से नाम गायब हो गया। सभी के पास नामांकन की रसीद भी मौजूद है। हालांकि मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो सभी दावेदारों को बुलाकर चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिए गए। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए कोर्ट व शासन प्रशासन सख्त कदम उठा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हम आपको ग्रामीण इलाके का वायरल एक वीडियो दिखाते हैं। वायरल वीडियो में देखकर कहीं से भी नहीं लगता है कि लोग कोरोना को लेकर जरा भी सजग हैं। इनका हाल तो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था वाला है, तभी तो वह नर्तकियों के लटके झटकों में इतना खो गए कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना याद रहा और ना ही मास्क लगाना। थाना थानगांव इलाके के राजपुर निवासी लालमणि ने अपने लड़के के मुंडन समारोह में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया था। हालांकि आधी रात के बाद किसी ग्रामीण की सूचना पर थानगांव पुलिस ने पहुंचकर कार्यक्रम को बंद करा दिया। मिश्रिक क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड संख्या 40 में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा समर्थित भास्कर मिश्र को जिताने के लिए क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव व हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व पिसावा प्रमुख रामकिंकर पांडे भी जोर लगा रहे हैं। वहीं सपा के कद्दावर नेता पूर्व कारागार मंत्री रामपाल राजवंशी नरेश चंद्र मिश्रा उर्फ श्यामू के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस चुनावी जंग में समाज सेवी व पूर्व प्रधान संतोष यादव भी बसपा का समर्थन हासिल कर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदाता किसके सिर जीत का सेहरा सजाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। SDM महमूदाबाद सुरेश कुमार व CO महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने रामपुर मथुरा क्षेत्र की प्रमुख बाजारों और चौराहों का भ्रमण किया। इस दौरान मास्क लगाने और दुकानों में भीड़ न लगाने तथा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को शराब और रुपया न बांटने की सख्त हिदायत दी। प्रत्याशियों द्वारा जगह जगह लगाई गई प्रचार की होर्डिंग को भी अधिकारियों ने हटवा दिया। क्षेत्राधिकारी बिस्वा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अवैध शस्त्र व 2 कारतूसों समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए रामनाथ पुत्र सीपाल और रोहित पुत्र रामदेव निवासीगढ़ ग्राम खुनखुन खमरिया थाना बिस्वा के विरुद्ध पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। कोतवाली सिधौली पुलिस द्वारा चोरी नकबजनी के अपराधों में लिप्त 4 अभियुक्तों फिरोज, मोहित जायसवाल, रवि हावड़ा व अनिल सिंह निवासीगढ़ मोहल्ला बाजार थाना सिधौली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभियुक्तगण 7 अपराधी हैं जिनके विरुद्ध कई गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण फिरोज, रवि व अनिल जेल में निरुद्ध हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। वी एट मदर्स प्राइड ओ अ प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग फॉर द टाइनी टॉडलर्स। इट हैज अ पीसफुल एंड काम लर्निंग एम्बियंस। Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the Prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back two times by Brain O Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। पंचायत चुनाव में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा की रणनीति रंग ला रही है। शुक्रवार को जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नीरज चौधरी ने जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा की प्रेरणा से भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी श्री प्रकाश के पूर्ण समर्थन की घोषणा पार्टी कार्यालय में की तथा कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर इंदु सिंह चौहान, उदित वाजपेयी, अनूप विश्वकर्मा, शुभम पांडे, सत्यम सिंह, गोविंद राठौर आदि मौजूद थे। कोरोना काल में शमशान और कब्रिस्तान में शवों की लग रही लंबी लाइनों के बीच अब गांवों में भी राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। कोरोना जैसे लक्षण होने के बाद बीमार लोग अस्पताल और डॉक्टर के पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं कि उनका दम निकल जा रहा है। उनकी मौत किस बीमारी से हुई यह भी पता लगाना स्वास्थ्य विभाग जरूरी नहीं समझ रहा है। हम आपको सीतापुर की तहसील सिधौली इलाके के अटरिया क्षेत्र का हाल बताते हैं। यहाँ 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अटरिया क्षेत्र के मनवा गांव की अगर बात करें तो यहाँ पिछले एक सप्ताह के अंतराल में 8 लोगों की जान जा चुकी है। सभी को कोरोना जैसे लक्षण होने के बाद मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। ग्रामीण भयभीत हो रहे हैं, परिजन डरे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग गांव तक झांकने भी नहीं पहुंचा है। कोई बताने वाला नहीं है कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। मिसाल के तौर पर बीते 24 घंटे में अटरिया इलाके के सिवदीन निवासी विमल पांडे, पानपुर निवासी लालता प्रसाद मिश्रा, बहादुरपुर निवासी छोटे लाल अवस्थी, अटरिया निवासी आनंद सोनी की पत्नी, कबरन निवासी पवन यादव, अटरिया निवासी अहमद टेलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इलाके में सिलसिलेवार हो रही संदिग्ध हालातों में मौतों से लोग दहशत में हैं। शहर की सामाजिक संस्था पहल शिक्षण संस्थान ने नगर के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी ली है। इसका शुभारंभ पहल जिला संरक्षक मेराज अहमद ने मोहल्ला पंचवटी कॉलोनी से किया। पहल संस्थापक व अध्यक्ष रचित निगम बताते हैं कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, बैंक आदि का सैनिटाइजेशन होना है। शुरुआत होते ही अलग अलग वार्डों से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, जिनकी सहायता लगातार की जा रही है। पहल प्रदेश सचिव तालिफ खान, जिला संयोजक अमित प्रजापति, जिला महामंत्री तनवीर मेराज, जिला कार्यकारिणी सदस्य आफताब खान आदि लोगों ने अपने अपने मोहल्ले में सैनिटाइजेशन कार्य को शुरू कर दिया है। नेरी से गन्ना लादकर डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर जा रहा ट्रैक्टर ट्राली कटैया के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, चालक बाल बाल बच गया। लहरपुर के वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मेहरोत्रा निवासी मोहल्ला ठठेरी टोला की माता का विगत रात निधन हो गया। वह 103 वर्ष की थीं। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्रीय पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकार पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार्य, रघुवंश अवस्थी, जेड आर रहमानी, गार्गी मिश्रा, रियाज अहमद, बबलू विजेंद्र शुक्ला, सतीश शर्मा, समीरपुरी, आकाश सिंह, देशप्रीत सिंह, जियाउल हक, एहतसाम बेग, जगत पाल, अभिनव त्रिवेदी, निर्मल पांडे, अविनाश दीक्षित,
सोनू शुक्ला, रवि साग, विपिन अवस्थी, बादल भारती, मोहम्मद असलम अंसारी, अनिल मिश्रा, रिंकू शुक्ला आदि ने गहरा दुख प्रकट किया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर लहरपुर SDM प्यारेलाल मौर्य के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक मानपुर, प्रभारी निरीक्षक तालगांव RB सुमन व भारी पुलिस फोर्स के साथ लहरपुर क्षेत्र के नवादा, लक्ष्मण नगर, अकबरपुर, तारनपुर, दरियापुर, नगई, मल्लापुर, सुल्तानपुर, शाहपुर, लालपुर, पिंडोरिया, मतुआ आदि का भ्रमण कर चुनाव में शांति बनाए रखने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर शाहपुर को पंचायत चुनाव के दृष्टिगत संवेदनशील ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया था। विगत बुधवार को रियाजुद्दीन पुत्र अब्दुल मोबिन, उनकी पत्नी तथा मुसरुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन व उनकी पत्नी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित होने पर रैली निकालकर चुनाव संहिता का उल्लंघन किया गया था। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया कि रियाजुद्दीन उर्फ राजू पुत्र अब्दुल मोबिन व मेराज पुत्र सुल्तान तथा मोहम्मद सलीम शाह आलम पुत्रगढ़ बदलू के विरुद्ध केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना अटरिया, मिश्रिक, नमीसारण व मानपुर पुलिस ने शुक्रवार को कुल 96 लीटर कच्ची शराब और एक भट्टी बरामद की है। पुलिस टीमों ने मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर पुलिस अधीक्षक RP सिंह के निर्देश पर जनपद के थानों में संबंधित ASP व CO के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंचायत चुनाव में शांति बनाए रखने की बात कही गई। अराजक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश भी दिए गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार पाठक ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा है कि अपने इलाकों में भ्रमण कर देख लें कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि कहीं सरकारी भवन अथवा अनुचित स्थान पर होर्डिंग्स, बैनर लगे पाए जाते हैं तो तत्काल उन्हें हटवाना सुनिश्चित करें। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। शुक्रवार को 306 नए मरीज मिले हैं। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि बहुत ज़रूरी काम होने पर ही आप लोग घरों से बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।